प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपका डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में से है, और इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश से डील करता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। जब भी इशू ऑफ डिवेंचर फॉर इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन आता है, तो आप एक फॉर्मूला रिकॉल कर सकते हैं अपने माइंड में। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। अब इशू प्राइस का क्या मीनिंग होता है? सपोज 100 रुपीज का डिवेंचर है और आपने 100 रुपीज में ही इशू किया, तो आपकी इशू प्राइस कितनी होगी? 100। लेकिन अगर आपने डिस्काउंट में इशू किया तो आपकी इशू प्राइस कितनी हो सकती है? 95, 98, वट एवर, ये फेस वैल्यू से कम होगी। और अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया तो आपकी इशू प्राइस कितनी हो सकती है? 110, 105, जो भी ज़्यादा होगा। तो इशू प्राइस कैन बी इक्वल टू फेस वैल्यू, कैन बी लेस देन फेस वैल्यू, एज वेल एज कैन बी मोर देन फेस वैल्यू। डिपेंड करता है कि आपने क्या शेयर को, डिबेंचर को, सिक्योरिटी को पार पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया या फिर डिस्काउंट पे इशू किया है। उस पर डिपेंड करेगा कि इशू प्राइस कितनी होनी है। फेस वैल्यू का मतलब तो होता है ओरिजिनल प्राइस विच रिमेन्स फिक्स एंड सेम। आगे देखिए, वैभव लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹2,40,000। 2,40,000 के टोटल एसेट्स टेक ओवर किए हैं एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹80,000, और 80,000 की लाइबिलिटीज भी ली हैं। किसने लिए हैं ये सब? वैभव लिमिटेड ने। निखिल ऑफ निखिल लिमिटेड, ऑफ निखिल लिमिटेड मतलब निखिल लिमिटेड के एसेट्स और लाइबिलिटीज को ले लिया गया, और निखिल लिमिटेड के एसेट्स और लाइबिलिटीज को ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब निखिल लिमिटेड क्या हो गया? वेंडर। वेंडर का मीनिंग क्या होता है? वेंडर का मीनिंग होता है सेलर। सो हु इज द बायर इन दिस ट्रांजेक्शन? वैभव इज द बायर। हु इज द सेलर इन दिस ट्रांजेक्शन? निखिल लिमिटेड इज द सेलर। एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹7,20,000। ये 7,20,000 क्या है? 7,20,000 इज द परचेज कंसिडरेशन के भाई 7,20,000 में हम आपका बिजनेस परचेज करने का कंसिडर कर रहे हैं। वी कंसिडर टू परचेज योर बिजनेस, वी कंसिडर टू परचेज योर बिजनेस फॉर ₹1,20,000। ये दे रखा है इसमें अमाउंट, सॉरी 7,20,000, नॉट 1,20,000, 7,20,000, राइट? 7,20,000 परचेज कंसिडरेशन दे रखा है एंड पेड टू निखिल लिमिटेड बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 इज द फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। दिस इज द प्रीमियम अमाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। और अगर ₹100 फेस वैल्यू है, 20% का प्रीमियम है, सो 120 विल बी द इशू प्राइस। हाउ मच विल बी द इशू प्राइस? ₹120 विल बी द इशू प्राइस। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इक्वल्स टू 7,20,000 डिवाइडेड बाय 120, दैट इज परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। और ऐसा करने से हमारे पास में आएगा 6,000 डिबेंचर्स। आप सॉल्व कर लीजिए, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 120 कितना होता है? ये आंसर आएगा 6,000 डिबेंचर्स। ठीक है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ वैभव लिमिटेड। वैभव लिमिटेड यानी कि जो परचेजर है उसकी बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। टोटल मिला के यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दो ही जर्नल एंट्री पास करनी है, ज्यादा नहीं है। टोटल दो ही जनरल एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है। सबसे पहले जनरल एंट्री फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एटसेट्रा। तो देखिए जनरल एंट्री, फर्स्ट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट एसेट्स कितने के हैं? 8,40,000 के। और लाइबिलिटीज कितनी की आई हैं? 80,000 की। टू
वेंडर अकाउंट, वेंडर का नाम है यहाँ पे निखिल लिमिटेड। निखिल लिमिटेड के सामने आप कितना अमाउंट लिखेंगे? जो परचेस कंसिडरेशन आपका डिसाइड हुआ है, परचेस कंसिडरेशन हमने कितना डिसाइड किया है? 7,20,000। अब आप देखिए क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है, 8 लाख, और डेबिट का टोटल कितना है, 8,40,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, और क्रेडिट में कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा, 40,000 रुपीज का, तो इसको लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। अगर डेबिट में आता तो गुडविल लिखते हैं, और क्रेडिट में आया इसलिए हम लिखेंगे उसको टू कैपिटल रिजर्व। ₹40,000 ये बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट्स, डेबिट माइनस क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर है, बीइंग बिजनेस ऑफ निखिल लिमिटेड परचेज्ड। हो गया परचेज। अब जो हमारी सेकेंड जनरल एंट्री होगी, उस सेकेंड जनरल एंट्री में तो हमें सिर्फ कंसिडर करना है परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, हमें सिर्फ कंसिडर करना है वेंडर का अकाउंट। तो देखिए सेकंड जनरल एंट्री, निखिल लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कितने परसेंट डिबेंचर है, 9%, 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया है ना, बीइंग कितने शेयर्स आप इशू, कितने डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो, 6,000, 6,000 डिबेंचर्स इशूड इन कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस परचेज्ड। ठीक है, अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो निखिल लिमिटेड में तो सेम अमाउंट आएगा 7,20,000, जो आपने क्रेडिट किया था वही है डेबिट में। और डिबेंचर्स में अमाउंट आपको कैसे पता चलेगा, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं उस पे उसकी फेस वैल्यू ₹100 के रेट से, और प्रीमियम में वही नंबर ऑफ डिबेंचर्स को उसकी प्रीमियम के रेट से, तो ये अमाउंट आपको मिल जाएंगे। डिबेंचर के सामने 6 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने 1,20,000। वन लैख 20,000। हेयर एंड्स अप द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, दो पार्ट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले वाले में हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि 40,000 का तो कैपिटल रिजर्व आ रहा है, दिस कैपिटल रिजर्व इज अ बैलेंसिंग फिगर। और इसके अलावा हमने दूसरा क्या चीज इसमें देखी कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप जो कैलकुलेट करेंगे वो 6,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स होने चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो पूछेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। और आफ्टर द बिग क्लास भी आपको इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने चाहिए, जिससे कि आपका परफेक्शन हो सके उस पर्टिकुलर टॉपिक में। बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 19 का ही, तो इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। आर लिमिटेड परचेस्ड, ही इज द बायर, आर रनिंग बिजनेस ऑफ फ्रॉम पी लिमिटेड, पी लिमिटेड इज द वेंडर, आर ने पी से खरीदा, तो आर हो गया खरीदार,
और पी हो गया बेच वाला, तो पी को हम कहेंगे सेलर, आर को कहेंगे बायर, और जो सेलर है उसी को हम वेंडर कहते हैं, तो पी हो गया वेंडर। फॉर अ सम ऑफ ₹12 लाख, ये क्या हो गया, ये परचेज कंसिडरेशन, ₹12 लाख इज द परचेज कंसिडरेशन पेबल बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दिस 10 इज द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डिवेंचर और शेयर वॉट एवर इट मे बी। तो ये जो ₹10 है, ये क्या मैंने बताया, फेस वैल्यू। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, तो इश्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, ₹10 फेस वैल्यू है, ₹2 प्रीमियम है, तो आपकी जो इश्यू प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, इश्यू प्राइस विल बी ₹12। ये जो शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन कितना है क्वेश्चन में, 12 लाख, और इश्यू प्राइस कितना है, 12, तो 1 लाख शेयर्स आपके पास आ जाएंगे ₹10 वाले। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे आपके, 1 लाख। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर फॉलोइंग, ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज उन्होंने एक्वायर किया, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो टोटल मिला के 2 जनरल एंट्री आपको इसमें पास करनी है इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। आर लिमिटेड यानी कि बायर की बुक्स में टोटल 2 जनरल एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है। देखिए पहली जनरल एंट्री, जितने भी एसेट्स हैं उनको कर दो डेबिट, और जो लाइबिलिटी है उसको कर देंगे क्रेडिट। प्लांट अकाउंट डेबिटेड, ₹4 लाख। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ₹2 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, ₹4 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, ₹3 लाख। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ₹1 लाख। टू वेंडर का नाम लिखेंगे हम, पी लिमिटेड अकाउंट, परचेज कंसिडरेशन में ₹12 लाख। वेंडर के सामने हमेशा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आता है। अब आप ये देखो, ये आपका टोटल कितना हो रहा है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, और ये आपका टोटल कितना हो रहा है, 13। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना गुडविल आया ना कैपिटल रिजर्व, अगर डेबिट में कम पड़ता तो हम उसको गुडविल अकाउंट लिख देते, और अगर क्रेडिट में कम पड़ता तो हम उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिख देते। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो गुडविल आया ना कैपिटल रिजर्व, बल्कि एग्जैक्टली इक्वल हो गया डेबिट और क्रेडिट, तो इसमें हम सीधा सीधा नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड परचेज्ड, ये होगी पहली जनरल एंट्री। अब सेकंड जनरल एंट्री देखिए आप क्या हो जाएगी, जो आप शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हैं उसके लिए, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड,
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बीइंग कितने शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इशूड इन कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस परचेज्ड, अमाउंट की अगर हम बात करें तो पी लिमिटेड के सामने सेम अमाउंट आएगा जो यहां पे हमने लिखा था 12 लाख, वही यहां पे 12 लाख आ जाएगा। शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट कैसे निकलेगा, जितने आपके शेयर्स हैं उसके फेस वैल्यू की रेट, यानी कि 10 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकलेगा, जितने शेयर्स आपके हैं उस पे रेट ऑफ प्रीमियम 2 रुपीज, नॉट 20। टू लैख, ये दो जनरल एंट्री इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दी जाएंगी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव ऑन करेंगे। टोटल 34 क्वेश्चंस का आपका पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क वाले होंगे। टोटल पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 34, टोटल 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क, एंड रिमेनिंग फिर उसमें 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। द बिगेस्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ 6 मार्क्स, द ग्रेटेस्ट वेटेज विल बी ऑफ 6 मार्क्स। चलिए, मेरे ख्याल से सभी लोग क्लियर हैं और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव ऑन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा बड़ा है, तो इसे हमें एक पेज पे लेने का क्या तरीका है। आई डोंट नो आप लोगों को पढ़ाई में आ रहा है या नहीं, पर कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन पेपर तो आप लोग हाथ में लेके बैठे ही हैं, तो उस क्वेश्चन पेपर में आप देखते जाना मैं जो रीड कर रहा हूँ वो। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब क्या हो रहा है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको, टू। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं लगाना है बल्कि एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, राइट। 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर का, ये 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है। 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 से, तो हमारे पास में आ जाएगी वैल्यू गुडविल की। फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इतनी बात गारंटीड है कि आपको बोर्ड एग्जाम में
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर में से एक क्वेश्चन विद श्योरिटी मिलेगा, 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 100% गारंटी है, श्योरिटी है दैट यू विल गेट वन क्वेश्चन ऑफ 3 to 4 marks फ्रॉम द चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टोटल 4 ही फॉर्मूलाज है स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। टोटल मिला के 4 ही आपके फॉर्मूलाज हैं। उन फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरह से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको इसमें एक 3 marks, 3 to 4 marks की गारंटी हो जाएगी। आपको 3 marks का या फिर 4 marks का एक क्वेश्चन गारंटेड मिलना ही मिलना है एग्जाम में। खैर, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस इन्फॉर्मेशन को आपको देखना होगा। क्या? ऑन 1 अप्रैल 2021 अ मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये क्या है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है। जब कभी भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ा देना है। यानी 1 अप्रैल 2021 की ये बात कर रहा है, 1 अप्रैल 2021 का मतलब है कि इस पर्टिकुलर 50,000 रुपीज का इंपैक्ट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 31 मार्च 2022 पे। भाई 1 अप्रैल 2021 पे आपने कोई मोटर बाइक परचेज की तो उसके अकाउंट्स कौन सी डेट पे क्लोज होंगे, वो अकाउंट्स आपके क्लोज होंगे 31 मार्च 2022 पे। तो इसका जो इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ये जो आप प्लस करेंगे 50,000, ये हम 2022 वाले में प्लस करेंगे। अक्सर बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, जो कॉपीज मैंने चेक की थी उसमें भी हुआ था कि ये जो 50,000 था ये हमने 2021 वाले में ऐड कर दिया। अब आप सोच के देखो, आप मोटर बाइक परचेज कर रहे हो 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च को आप उसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे? जिस दिन आपने परचेज किया उसके एक दिन पहले कैसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो? आपको तो एडजस्टमेंट जिस दिन परचेज किया उसके क्लोजिंग डेट पे करेंगे। तो ये जो 50,000 प्लस करेंगे आप कब प्लस करेंगे, 31 मार्च 2022 पे। फिर आगे क्या लिख रहा है, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। इस पे आपको 20% पर एनम की रेट से डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो 50,000 का 20% कितना हो जाता है, 50,000 का 20% हो जाता है 10,000। वो 10,000 आपको क्या करना है, लेस करना है। यानी कि एडजस्टमेंट जो भी होगा वो सारा का सारा एडजस्टमेंट 31 मार्च 2022 के प्रॉफिट्स में ही होगा, प्रीवियस 3 ईयर्स के प्रॉफिट में आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि क्या क्या कैसे आप प्रॉफिट निकालोगे। तो देखिए, आपके पास में 50,000, 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट्स ले लिए हमने, 1,80,000, और अब यहाँ पे क्या है अपने पास में, 70,000 का लॉस था, फिर 10,000 और माइनस किए हैं, तो 70 और 10, 80,000 रुपीज माइनस के हो गए, और उसमें 50,000 रुपीज आप प्लस करेंगे तो फाइनली आपके पास में नेगेटिव का 30,000 बचेगा। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट हमारा यहां पे हो जाता है 120 प्लस 180, 3 लाख, 3,50,000, 3,50,000 माइनस 30,000, 3,20,000। ये 3,20,000 क्या है, 4 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट है। और हमें तो क्या चाहिए, हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट 3,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स दैट इज 4, तो हमारे पास में आता है 80,000। और इस 80,000 एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 से, तो हमारे पास में वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा 1,60,000। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, आपको कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम कर रहे हैं ना,
आगे क्या बोला है इसमें, आगे क्वेश्चन रह गया क्या? अच्छा आगे अभी क्वेश्चन रह गया, क्योंकि हमने शुरुआत तो की थी, तीन पार्टनर्स हैं और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक क्वेश्चन है। मैं तो गुडविल कैलकुलेट करते करते मुझे ऐसा ध्यान रखे कि तो सिर्फ गुडविल ही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है। द फर्म ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑल द ईयर्स। इस पॉइंट का आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसका? क्योंकि बोल रहा है ऑलरेडी बीन चार्ज। अगर चार्ज नहीं किया होता तो हम लेस करते हैं इसको, लेकिन तो ऑलरेडी आप चार्ज कर चुके हो। जब ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो तो वापस फर्दर लेस करने की जरूरत नहीं है। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। हमने वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट किया 1,60,000, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन में जो गुडविल हम वैल्यू करते हैं, वैल्यूड गुडविल के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एबिलिटी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री पास करने से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट हु इज द गेनिंग पार्टनर, हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो उसके लिए और एक वर्किंग नोट बनेगा, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे हम, और अगर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आया तो वो गेनिंग हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 6 LCM हो गया आपका। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/6 पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइसिंग, और 6 LCM हो गया आपका। 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और 6 LCM हो गया आपका। 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1/6 नेगेटिव आया तो हो गया गेनिंग। तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी यहाँ पे? आई होप आप लोगों को एडजस्टमेंट याद है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एबिलिटी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एडजस्टेड फॉर गुडविल, और अमाउंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली उठा के पूरा का पूरा 1,60,000 मत लिख देना, कि 1,60,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हम क्या करेंगे, 1,60,000 दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई सी का शेयर। सी का शेयर कितना आ रहा है, 1/6। तो देखिए कितना आता है, 6 2 जा 12, बचा आपके पास 4, 40, 6 जा 36, अगेन बचा 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 26,667। ये अमाउंट यहां पे आपको लिखना है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अपनी आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करेंगे, और कल भी क्लास रहेगी। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप में, कि कितने बजे क्लास है। आप अटेंड कीजिए और पूरा बेनिफिट लीजिए, एडवांटेज लीजिए।
इकोनॉमिक्स के और पीएचडी के एग्जाम में अभी कुछ समय है, तो अभी कुछ दिन हम 1-1.5 घंटा अकाउंटेंट से पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, रेस्ट हम कल की क्लास में मिलेंगे।